इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत पंजाब भवन में मौजूद है, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। उनके साथ हरीश चौधरी भी हैं जो वहां पर पहले से मौजूद थे। और बड़ा सवाल यह है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचते हैं पंजाब भवन चंडीगढ़ में, मिलते हैं हरीश रावत से, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी हैं और अब उनको मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। दो सदस्यों की कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट खत्म हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री चन्नी है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, गरीब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए यही चन्नी का स्टाइल है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, न्यूज 18 इंडिया ने ही सुबह ये खबर दी थी कि हरीश रावत पहुंचने वाले हैं। मेरे सहयोगी चमन पलानिया की यह खबर है कि हरीश रावत चंडीगढ़ में पंजाब भवन में इस वक्त मौजूद है, उनके साथ हरीश चौधरी भी हैं। और देखिए, हरीश रावत ने ही कहा था जब चन्नी की ताजपोशी हुई उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा, और वही अब वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि खबरें हैं कि हाईकमान नाराज है और जो चन्नी है वो ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ना ही मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। लेकिन अगला कदम क्या होगा, क्या सिद्धू यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि सिद्धू के मूवमेंट के बारे में जो हमारे सहयोगी अरुण पटियाला में मौजूद है कि वो चंडीगढ़ के लिए आ सकते हैं। जो पंजाब भवन में हरीश चौधरी हरीश रावत मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात में क्या निकलेगा? हाईकमान का संदेश तो साफ है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित मुख्यमंत्री है पंजाब के, पहले दलित मुख्यमंत्री, वो ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ना ही विभागों का बंटवारा जो हुआ है उसमें कोई बदलाव होगा। जो अफसर जो एजी हैं जिसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू को आपत्ति थी, डीजीपी जो बने उस पर सिद्धू की नहीं चली, ना ही अफसरशाही में कोई बदलाव होगा। यानी कि आलाकमान का संदेश साफ है, एक तरफ सिद्धू को मनाने की कोशिशें, परगट सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैबिनेट खत्म हो चुकी है, अब से कुछ देर बाद देखिए चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ये जो सचिवालय में मैं मौजूद हूँ पंजाब में, चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय में मौजूद हूँ, ये एक अहम केंद्र है। अहम केंद्र इस लिहाज से है कि चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान ने कहा था कि अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाएं। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप समझिए आज का घटनाक्रम, अरविंद केजरीवाल जो कि 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और बिजली भी एक अहम मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी गतिविधियां हैं और पल पल अपडेट आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की कोशिश है कि सबसे पहले यहां से तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूं। ये सचिवालय जहां पर सेकंड फ्लोर पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये दूसरी खबर। और अहम खबर हरीश रावत को लेकर के, क्योंकि पहले खबरें थी कि हरीश रावत आ रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको बताया था, और फिर अब खबर है कि हरीश रावत पहुंच चुके हैं पंजाब भवन में। इस वक्त कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत मौजूद हैं, उनके साथ हरीश चौधरी भी हैं। और सबसे बड़ा सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने अपने कुछ देर पहले आलाकमान ने भेजा है, वो पंजाब पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, तो कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को एक बार फिर मैदान में उतार दिया है कांग्रेस के आलाकमान ने। सुबह 9 बजे तक इस बात की आसार नहीं थे कि वो आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि प्रदेश नेतृत्व को ही बताया गया है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में मिल बैठ करके मामला सुलझाएं। लेकिन उसके बाद हरीश रावत को भी कांग्रेस आला कमान ने पंजाब की सियासत में जो विवाद है उसे खत्म करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए यहां पर भेज दिया है। और अब नवजोत सिंह सिद्धू पर सबकी नजरें हैं, निगाहें नवजोत सिंह सिद्धू पर हैं कि क्या वो चंडीगढ़ जाते हैं, क्या वो हरीश रावत से मुलाकात करते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू के बिना किसी बात के बेवजह इस्तीफे को निश्चित रूप से वो